दीपा केशवानी के पति अंकित केशवानी की मौत होती है, जिसे एक्सीडेंट करार दिया जाता है। पुलिस को लगता है कि दीपा झूठ बोल रही है और दरअसल ये एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। सच क्या है, आज के एपिसोड में हम देखेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। बलदेव पाजी, वो बंदा अंकित टपक गया है। हाँ सुना, एक्सीडेंट केस दर्ज हो गया। फिर भी मैं निकल ले रहा हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, निकल। मुझे लगा था स्कल में फ्रैक्चर्स थे, हेमरेज भी हुआ होगा। मगर आपको क्या लगता है, ये इंजरी गिरने से नहीं किसी और वजह से हुई हो? इंस्पेक्टर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। अब क्योंकि ये एक्सीडेंट केस था, इसलिए मैंने आपको तुरंत इन्फॉर्म किया था। जब अंकित केशवानी को यहाँ लाया गया था, कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। ये तो मैं जानता हूँ डॉक्टर पटेल, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ऐसी इंजरीज गिरने के बजाय किसी और कारण से हो सकती हैं। इंस्पेक्टर, हमारा काम अनुमान लगाना नहीं है, हमें बताया गया कि इंजरी फिसल कर गिरने से हुई है। डॉक्टर, पेशेंट को पहले तपस हॉस्पिटल में लेके गए थे, ये वहाँ की रिपोर्ट है। स्कल में काफी फ्रैक्चर है। काफी गहरा कंकेशन भी है। तीन दिन बाद ही हेमरेज की वजह से पेशेंट की डेथ हुई। डॉक्टर पटेल, मुझे शक है कि ये इंजरी फिसलकर गिरने से नहीं हुई है, जैसे कि पेशेंट की बीवी ने बताया। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपके शक को सही साबित कर सकता हूँ ना गलत। सर, माने दीपा सूरज दोनों के फोन रिकॉर्ड निकलवाओ और अंकित के भी। इनफैक्ट अंकित के बारे में मैं हर छोटी सी छोटी डिटेल जानना चाहता हूँ। वो कौन था, क्या करता था, सब कुछ। सर, अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो हमारे पास ठोस सबूत होता कि एक्सीडेंट था या कुछ और। पोस्टमार्टम तो उन्होंने होने नहीं दिया, माने मौत के 3 घंटे बाद सीधा क्रिमेशन। अब इस सारे मामले का पोस्टमार्टम हम करें। मम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी, मेरी देखभाल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज लौट जाओ। कैसी बातें कर रही है तू, यहाँ अकेले रह के क्या करेगी? कुछ दिन हमारे साथ रह ले, अच्छा लगेगा। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। एक बात बता, तेरे और अंकित के बीच में सब कुछ सही तो था ना? बस यही बाकी रह गया था कि मेरी अपनी माँ भी मुझ पे शक करे कि मैंने अपने पति को मार डाला। कैसी बातें कर रही है तू, पागल हो गई है? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, तेरी फिक्र हो रही थी ना इसलिए। सर, अंकित केशवानी हमारी कंपनी में सेल्स में था, हम लोग मोटर पंप्स के डीलर हैं। सर, आप अंकित और दीपा केशवानी को कितना जानते थे? अच्छे से जानता हूँ सर। क्या उन दोनों के बीच कभी कोई प्रॉब्लम थी? प्यार था सर, अंकित कभी भी ऑफिस से घर जाने के लिए इतना उतावला कभी नहीं रहता था। उनकी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। और दीपा, क्या वो खुश रहती थी? हाँ सर, मतलब जब भी मैं उनसे मिला या कभी उनके घर गया या कभी वो मेरे घर आए, वो हमेशा ही बहुत खुश लगती थी सर। दोनों बहुत हैप्पी थे। थैंक यू। तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू, और वो भी किसके बारे में? तो तुझे क्या लगता है अंकित, कि मुझे ये सब कहने में बहुत अच्छा लग रहा है? पर अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि मैं जानता हूँ कि मैं किसके बारे में क्या कह रहा हूँ। दोस्त है ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ। सर, दीपा, अंकित और सूरज तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कुछ भी अटपटा नहीं मिल रहा। माने ये देखो, 5 जून की रात को 9:30 बजे दीपा केशवानी को एक फोन आया था, और उसके हिसाब से उसी रात को 10:30 बजे उसका पति घर आकर फिसला था। ये 9:30 बजे वाला कौन? हाँ सर, ये नंबर 444-5675-8 वाशिका लैंडलाइन है। सर, पीसीओ के मालिक से मेरी बात हुई, एज यूजुअल सर, कॉल किसने किया उसे याद नहीं। और दीपा केशवानी का क्या कहना है, किसका कॉल था? सर, वो कह रही थी कि रॉन्ग नंबर था। 9:30 बजे 5 जून को शायद से कोई रॉन्ग नंबर रहा होगा,
हाँ याद आया, रॉन्ग नंबर ही था। श्योर दीपा जी? आप लोग इंसान को मशीन समझते हो क्या? उस रात मेरे पति बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए, 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, और आप चाहते हैं कि मैं कोई टुच्चा सा रॉन्ग नंबर याद रखूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हैरेस क्यों किया जा रहा है। कुछ ज्यादा जल्दी ही चिढ़ जाती हैं ये मिसेज दीपा केसवानी, कोई तो वजह होगी इस चिड़चिड़ाहट की। जी सर। सर मैंने सूरज के फोन रिकॉर्ड भी चेक किए थे, दीपा ने 10:35 पर उसे फोन किया था। दीपा और सूरज ने खुद ये कहा है। हेलो सूरज, क्या हुआ दीपा? सर पता नहीं क्यों इन फोन रिकॉर्ड्स में और हमारी इन्वेस्टिगेशन के एंगल में मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा। और मुझे कुछ और ही मतलब लग रहा है माने। देखो माने, हम तुम्हारी फीलिंग्स के साथ चल सकते हैं और केस क्लोज कर सकते हैं, या फिर मेरी फीलिंग्स के साथ चले तो शायद कुछ निकल सकता है, और नहीं भी निकला तो हमने कुछ नया सीख लिया होगा इंसानों इन्वेस्टिगेशन दोनों के बारे में। बिल्कुल सर। मणे इस सूरज का पूरा बैकग्राउंड निकलवाओ, वो और दीपा कॉलेज के दोस्त थे, और उस ऑटो रिक्शा वाले को ट्रेस करो जिसने सूरज दीपा की मदद की थी अंकित केसवानी को लोकल क्लिनिक तक पहुंचा। सर। साहब सूरज कटारी की पूरी हिस्ट्री कल तक आपके हथेली में होगी, लेकिन ये ऑटो वाला? हाँ वो ऑटो वाला जो उस रात उन्हें क्लिनिक में लेकर गया था। साहब अब बोले तो विरार में कितने सारे ऑटो चलते हैं ना। हाँ तो तेरा दिमाग भी कौन सा किसी ऑटो से कम चलता है गोविंद, इसीलिए काम तुझे दे रहा हूँ। आपने चने के झाड़ पे चढ़ाई दिया है तो आपकी हथेली में मूंगफली थोड़े ना रखूंगा। पुलिस दीपा केसवानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, क्योंकि उनके शक की बुनियाद काफी मजबूत थी। दो स्टेटमेंट्स में एक्सीडेंट के अलग अलग ठिकाने बताए गए और लाश का क्रियाक्रम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में किया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लग रहा था जिसकी वजह से उनका शक यकीन में बदल जाता। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पीछे हुए किस्से और वारदातों की कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी। हमारा शक गहरा होता जा रहा है सूरज, के अंकित केसवानी को गिरकर चोट नहीं आई बल्कि कातिलाना वार किया गया उस पर, और हमें लगता है कि वार तुमने किया। नहीं सर, ये बात सच नहीं है, मैंने अंकित पे कोई वार नहीं किया। ठीक है, करवाया किसी से? तुमने और दीपा ने मिलकर सुपारी दी किसी को? आखिर साजिश क्या है बताओ हमें। सर कोई साजिश नहीं है, जो मैंने आपसे पहले कहा था वही बात है। सर दीपा मेरी एक अच्छी दोस्त है तो उसने मुझे फोन किया, उसने बताया कि अंकित घर में फिसल कर गिर गया है, उसको बहुत चोट लगी है, उसके सिर से खून निकल रहा है, तो प्लीज जल्दी आ जाओ, तो मैं चला गया सर। हाँ जी। सूरज ये कैसे हो गया? यह पानी था, अंकित का पैर फिसल गया। यही सच है सर, कॉलेज की फ्रेंडशिप है तुम दोनों की। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सर, मगर ये नहीं बताया कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, अच्छा खासा अफेयर था तुम्हारा। तुम दीपा के साथ शादी करना चाहते थे ना? रिक्शा वाले पे स्पॉट लगाया हुआ है साहब, जल्दी आएगा वो अपने रडार में, लेकिन सूरज कटारे अपने रडार में फंस चुका है साहब, और आपके लिए खुशखबरी भी है। हाँ तो बता ना। साहब वो कंप्यूटर का प्रोग्राम विग्राम होता है ना, उसका सेल्समैन है ये सूरज कटारे, और इधर ही विरार में उसके बापों का एक हार्डवेयर की दुकान है, और इसका बड़ा भाई हार्ट बताता है उसके बापों को। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है सर जी कि सूरज और दीपा का सॉलिड कहानी था इस कॉलेज में। फिर दीपा की शादी हुई अंकित से? वो तो बाद में हुई सर जी, पहले सूरज की शादी हुई जट शादी पटतालाल, बाद में दीपा की शादी हुई उस अंकित केसवानी के साथ 8 महीने पहले। ये दीपा और सूरज का अफेयर क्यों टूटा था और सूरज की शादी क्यों टूटी थी? अब साहब मोटा मोटा जो पता चला वो आपके सामने ताज़ा ताज़ा पेश कर दिया। तुमने वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है गोविंद, आगे की स्टोरी ये सूरज ही सुनाएगा। दीपा और तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, फिर तुम्हारी शादी हो गई, वो शादी टूट गई, फिर दीपा की शादी अंकित से हुई, अब अंकित इस दुनिया में है ही नहीं, तुम दोनों फिर से सिंगल एक दूसरे के लिए। क्यों? सर मैं दीपा से प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे, लेकिन उस रिश्ते को मैंने तोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली थी, फिर हमारा डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स होने के बाद मैं दीपा से फिर से मिला। कंचन तुम्हारी एक्स वाइफ, सेपरेशन से पहले एक केस दर्ज किया था तुम्हारे खिलाफ उसने, डोमेस्टिक वायलेंस का, जीके रोड पुलिस स्टेशन में। पीटते थे तुम अपनी वाइफ को? सर मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया था उस पर। हाँ झगड़े जरूर होते थे हमारे बीच। झगड़े क्यों होते थे? मेरी माँ सर, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन वो मेरी माँ के साथ बदसलूकी करती थी सर,
इसलिए हम दोनों ने घर छोड़ दिया था। माँ और पापा के बीच में डाइवोर्स हो चुका था, तो बड़े भैया पवन पापा के साथ रहते थे और मैं माँ के साथ। सर, कंचन ने हर वक्त मेरी माँ की इंसल्ट की है, उसके बावजूद भी गुस्से में आकर भी मैंने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया। ये सब उसने केस वेस दर्ज किया है ना, ये सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए और कुछ नहीं। कंचन से अलग होने के तुरंत बाद तुम दीपा से दोबारा मिले? हाँ सर, मैं और माँ मीरा रोड रहते थे। डाइवोर्स होने के बाद विरार में मेरी नौकरी लग गई थी, तो मुझे विरार शिफ्ट होना पड़ा। माँ अभी भी मीरा रोड में रहती हैं, लेकिन विरार में मैं दीपा के फिर से कांटेक्ट में आया। सिर्फ कांटेक्ट नहीं सूरज, तुम दोनों का अफेयर शुरू हुआ फिर से, जो अंकित को पता चल गया। रास्ते का कांटा बन गया वो, और उस रास्ते के कांटे को निकालने का ये मर्डर सबसे आसान तरीका लगा तुम दोनों को, क्यों? सर आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो सही ट्रैक बताओ मुझे। मैं दीपा से कभी शादी नहीं करता, तभी तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ा था। मगर तुम प्यार करते थे ना उसे? हाँ मैं प्यार करता था उससे। तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? हेलो। हाँ दीपा। हाँ बोलो ना। हाँ ओके बाय बाय। कौन है ये दीपा? फ्रेंड? गर्लफ्रेंड है भैया। फेंक तो नहीं रहा ना तू? क्यों भैया, गर्लफ्रेंड होना गुनाह है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यही तो उम्र है, टाइम पास की। टाइम पास नहीं है भैया, 2 साल हो गए हम लोगों के अफेयर को। इनफैक्ट उसके कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोग शादी का सोच रहे हैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? क्यों भैया, क्या हो गया? तू जानता है इस लड़की को? हाँ भैया, मैंने आपको बताया ना, 2 साल से हम लोगों का अफेयर चल रहा है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ दीपा को। पूरा नाम दीपा चड्डा, राइट? और नंबर है उसका 444-898-7667। अब पूछ मुझे मैं कैसे जानता हूँ? कैसे जानते हैं आप? अभी तक तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर जानना चाहूँ ना तो वो खुद सामने से आ जाएगी, सिर्फ एक फ़ोन करने पे। कैसे बकवास करें भैया आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ, देखना है तुझे, ये देख। हेलो। हाय, दीपा बोल रही है? या स्पीकिंग। मेरा नाम पवन है और आपका नंबर मुझे हरीश ने दिया था। ओह हाय पवन। हाय दीपा। क्या मिल सकते हैं मुझे? वो मेरा मतलब है, यू नो। हाँ हाँ मैं समझ गई। बताओ कहाँ मिलना है? आज रात कैसा रहेगा? ठीक है। जगह है ना तुम्हारे पास? हाँ जगह है, उसकी चिंता मत करो आप। तो मैं शाम को 6 बजे आपको पिकअप करता हूँ, सेंट्रल प्लाजा कॉफी शॉप से। ठीक है। हाँ हरीश ने सब बताया ना, मेरा रेट और कितना एडवांस और बाकी सब भी। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने आपको कॉल किया। देख भाई, ये तेरी लाइफ है, लेकिन अगर मुझे पता है कि लड़की तेरे लायक नहीं है तो लाल झंडी दिखाना मेरा फर्ज है, बाकी तू देख ले। सूरज माइंड मत करना, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, 6 बजे एक अर्जेंट काम है। ऐसी कौन सी अर्जेंट मीटिंग आ गई दीपा? कुछ नहीं, माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है, 6:05 हो गए, मैं निकलती। बैठो दीपा, वो फोन नहीं करेगा। क्या? कौन फोन नहीं करेगा सूरज? छोड़ो ये सब बातें, बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीपा मुझे नहीं लगता कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। आज अचानक ऐसी बात? दीपा मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशन तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है या कोई मतलब रखता है। तुम बात को गोलमोल क्यों घुमा रहे हो? सिंपल बात है तो सिंपल तरीके से बताओ ना। एक शब्द में बोलूं, पवन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस वक्त पवन ने मेरे सामने फोन स्पीकर में लगा के तुमसे बात की थी दीपा, तुम्हारे साथ डील फिक्स हुई थी उसकी। ये नहीं पूछोगी कि मैं पवन को कैसे जानता हूं? दरअसल वो मेरा बड़ा भाई था।
इत्तफाकन उसे मालूम चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि अब तो पॉसिबल नहीं है। मुझे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा था। दीपा बहुत अच्छी लड़की है सर, बस उसने अपनी जिंदगी ऐसे जीने की सोची। प्रोस्टिट्यूशन में थी दीपा? सर मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता उसके लिए, मैं बस ये कहूंगा कि वो शायद एक आदमी के साथ जुड़कर खुश रहने वाली लड़की नहीं। अंकित से तो जुड़ गई, उसे पता था? मुझे नहीं पता सर, मैं बस इतना जानता हूँ जब मैं दीपा से दोबारा मिला तो उसकी शादी हो चुकी थी अंकित के साथ, और वो लोग मुझे काफी खुश दिखे। Cheers. फिर मेरी अंकित से दोस्ती भी हो गई। क्या बातें चल रही हैं? तुमने मेरा ड्रिंक नहीं बनाया सूरज? अरे वो मैं, तुम्हें क्या लगा शादी हो गई तो मैं बहुत गुड गर्ल हो गई हूँ? तुम्हें क्या लगता है सूरज, दीपा ने अंकित को मार डाला? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बेशक अलग मिजाज और अलग तरह से जीने वाली लड़की है, वो अपने में खुश रहती है, लेकिन वो किसी को इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हो सकता है अंकित को दीपा के अतीत के बारे में पता चल गया हो, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो और गलती से दीपा के हाथों अंकित का मर्डर हो गया। मुझे चांस कम लग रहा है सर, फिर भी मैं ये बात दावे से नहीं कह सकता। पता है मैंने मुझे क्या लगता है, इस सूरज और दीपा के बीच में अफेयर चल रहा था, अंकित को इसके बारे में पता चला, उसने दोनों को धमकाया होगा। या फिर हो सकता है अंकित को दीपा के पुराने किसी अफेयर के बारे में पता चला, या फिर सूरज के अलावा उसने उसे किसी और के साथ पकड़ लिया। पॉसिबल, पॉसिबल। मगर बात यह है कि अंकित ने दीपा को रंगे हाथ पकड़ा होगा, दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हुई होगी, और इस गर्मा गर्मी में दीपा ने शायद उसे धक्का दिया या फिर वार करने की कोशिश की। जान लेने का इरादा नहीं हुआ होगा, मगर जान तो गई, इसलिए मर्डर केस बनता है। हो सकता है सर, लेकिन अभी तक हमारे हाथों में कोई ठोस सबूत नहीं है। इस वक्त नहीं है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सबूत है ही नहीं। मने सबूत है, सबूत है। इसी माहौल में किसी पर्दे के पीछे यह सबूत हमारा इंतजार कर रहा है, जो सारे झूठ को बेनकाब करेगा। मने, उस ऑटो ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन विरार के सारे ऑटो ड्राइवर्स की स्कैनिंग चल रही है। सच बोलना चाहिए था? क्या मतलब है तुम्हारा? दीपा, पुलिस ने झूठ तो पकड़ ही लिया है ना। ना झूठ पकड़ा जाता ना हम पकड़े जाते, ऐसा सब कुछ होता ही नहीं अगर तुमने वो चौक वाली बात पे इतना जोर नहीं दिया होता तो। देखो, अगर वो लोग पूछे तो उनसे कहना कि घर लौटते वक्त अंकित का पैर फिसल गया था गोमती चौक में, ठीक है? क्यों? अरे क्योंकि उस वक्त तुम और अंकित घर पे अकेले थे, सारा शक तुम पे जाएगा। उन्होंने उस एक स्टेटमेंट की बाल की खाल निकाल दी, फंसा दिया हमें। दीपा, जितना टेंशन में तुम थी उतना ही मैं भी था, लेकिन ये सब तुम्हें तुम्हारे घर पे होने ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हें ये चौक वाली बात तपस हॉस्पिटल में क्यों नहीं याद आई? अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम वहां जाके ये बोल दोगी कि ये सब घर पर ही हुआ। देखो सूरज, जो हो गया सो हो गया, अब प्लीज अपने मुंह से ऐसी कोई बात मत निकालना या ऐसा कुछ मत करना जिससे बात और बिगड़ जाए। मैं उन लोगों से कह चुकी हूँ, हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से निकला था कि अंकित गोमती चौक में फिसल कर गिरा। जो वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, उनको पूरा शक तुम पर है दीपा। जिस तरह से अंकित का अंतिम संस्कार किया गया ना जल्दबाजी में, उससे उनका शक और बढ़ गया। साढ़े नौ बज गए, मेरे सीरियल का टाइम हो गया, मैं जा रही हूं अंदर। दीपा भी ना टीवी एडिक्ट, तुम्हें तो उसके फेवरेट सीरियल्स भी मालूम होगी, नहीं? काफी पुरानी दोस्ती है तुम दोनों की। हाँ दोस्ती है, लेकिन उसके टीवी सीरियल फेवरेट कौन से नहीं जानता मैं। तुम दोनों की दोस्ती किसी सीरियल की कहानी से कम नहीं होगी, नहीं? कैसे? मतलब दोस्त प्रेमी बनता है, फिर तुम्हारा ब्रेकअप होता है, बाद में तुम्हारी शादी होती है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा डिवोर्स होता है, और जब तुम लौटते हो तो देखते हो कि दीपा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर तुम बहुत अच्छे दोस्त बनते हो, और फिर कुछ नहीं होते। हम लोग सिर्फ दोस्त बनते हैं, सिर्फ दोस्त। देखो अंकित, जो बीत गया वो कल था, और बीता हुआ हमेशा दफनाया जाता है। इस वक्त दीपा के दिल में अगर कुछ जिंदा है तो वो तुम्हारे लिए प्यार है और कुछ नहीं। हर दिल के चार खाने होते हैं,
पर तुम्हारे खास दोस्त दीपा का दिल चार अलग अलग लोगों के लिए धड़कता है, कम से कम चार। इसीलिए तुमने ब्रेकअप किया ना? तुम्हें दीपा की असलियत पता चली? पता चला कि वो एक आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती और तुमने रिश्ता तोड़ दिया। देख सूरज, मैं ये सब बात जानता हूं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तू ये सब जानकर उससे प्यार नहीं कर सका। तेरा प्यार शायद मेरे प्यार से ज्यादा गहरा है और तेरा दिल भी मुझसे बड़ा है। उतना भी बड़ा नहीं है मेरे दोस्त। कई बार दिल की बात जुबां पर दम तोड़ती है। जी करता है उसे सब बोल दूं, तू जो कर रही है वो सही नहीं गलत है। दर्द होता है यार, मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू, और वो भी किसके बारे में? तो तुझे क्या लगता है अंकित कि मुझे ये सब कहने में बहुत अच्छा लग रहा है? लेकिन तुझे कब से मालूम है? देख यार, तेरी शादी के वक्त मैंने फर्स्ट टाइम दीपा को देखा था, तब मैं ये सब कुछ कह ही नहीं पाया यार। मतलब तू, तेरी शादी से कुछ ही दिनों पहले मैं तेरी बीवी के साथ गया था एक होटल रूम में, लेकिन मुझे लगा कि वो उसका अतीत है यार, शायद वो बदल गई होगी। शादी के बाद अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो नहीं बदली है यार। अंकित, दीपा आज भी होटल रूम्स में जाती है और घंटों के हिसाब से चार्ज करती है। बस जब मेरा कलीग आ जाए कोली मुझे सब बता रहा था, तब मैं कुछ ज्यादा शॉक नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और लोगों से भी मुझे ये बात सुनने में आई थी। अच्छा, दीपा जानती है कि तुम उसके बारे में सब जानते हो? देखो, मैं नहीं चाहता कि वो कभी जाने की ये बात मुझे मालूम है। प्यार करता हूं यार उससे, हद से ज्यादा प्यार। लेकिन अगर ये बात खुल गई ना तो उसकी इज्जत उछलेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे सामने जलील हो। मैंने तुम्हारे साथ ये बात छेड़ी क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों की काफी पुरानी दोस्ती है और प्यार भी था कभी। हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती थी और दोस्ती है, ये बात मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं यार। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है सूरज, बड़ी ताकत है दोस्ती। इसीलिए क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर सकते हो? तो जो बोलेगा वो करूंगा। बस जैसे भी हो, तुम दीपा को इस लत से छुड़वाओ। बस उसे टीवी का नहीं, मर्दों का एडिक्शन है, और सिर्फ तुम ही उसे इस एडिक्शन से दूर करवा सकते हो। कैन यू हेल्प मी प्लीज? जिंदगियों में भूचाल आ गया था। अंकित, सूरज और दीपा तीनों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। अतीत का दर्दनाक अंधेरा, वर्तमान का कड़वा सच और आने वाले दिनों की धुंधली संभावनाएं, इन तीनों मझधारों के बीच एक ही नाव में सवार ये तीन मुसाफिर एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे थे, सच से कतरा रहे थे। क्या इन तीनों की कश्मकश के बीच कोई एक्सीडेंट हुआ था? क्या एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसे पुलिस अब मर्डर मानकर चल रही थी? आखिरकार इस केस की हकीकत पर इन्वेस्टिगेशन ने कील ठोकी थी। अब क्यों आए हैं आप यहां? वक्त आ गया है पर्दा गिराने का। आप लोग इतने जालिम क्यों हैं? किसी इंसान को शांति से शोक तक मनाने नहीं देते। मैंने अपना पति खोया है। खोना क्या होता है जानते हैं आप? जानते हैं, हम खोना जानते हैं, पाना जानते हैं, और किसी को जानबूझकर दूर भेजना भी जानते हैं, इतनी दूर कि वो वापस लौट कर आ ही ना पाए। देखिए मिसेस केशवानी,
जब एक जुर्म होता है ना, तो मुजरिम के जो करीबी होते हैं वो एक झूठ छिपाने के लिए लाख झूठ बोलने को तैयार होते हैं और बोल भी देते हैं, मगर अजनबियों पे दोस्ती का ऐसा कोई बोझ नहीं होता, वो हमेशा सच बोलते हैं। सर जी, वो कॉलेज में होता है ना, पढ़ाई के बाद और पढ़ाई, पीएचडी वीएचडी, अपनी तो विरार में ऑटो रिक्शा वालों पर पीएचडी हो गई। पास हुआ? फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऑटो वाले की यूनियन, उसका अड्डा, ऑटो वाले की चौले, सब छान मारा, तब जाकर आपका आदमी हाथ लगा है। नाम है कैलाश पाटिल। कहाँ मिले रहे? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है सर जी, आपके लिए लेकर आया हूँ, यही मेरे बगल में खड़ा है। मुझे वो मेरे बगल में चाहिए, थाने में, अभी के अभी। 5 जून की रात को तुम अपनी ऑटो में एक घायल आदमी को पुष्कर क्लिनिक ले गए थे। हाँ साहब, एक मैडम थी और उसके साथ दूसरा वो साहब था, और एक आदमी बेहोश पड़ा था साहब। वो मैडम जो थी उस घायल आदमी की पत्नी थी। उसका कहना है कि उसका पति घर पर फिसल कर गिर गया, उसके सर पर चोट आई, वो मर गया। हमारा सोचना है वो झूठ बोल रहा है, ये मर्डर केस है। साहब बच्चे की कसम खा के कह रहे साहब, मेरा इसमें कुछ नहीं था साहब, मैंने तो उस आदमी को बस डॉक्टर के पास छोड़ा था साहब, मदद की थी साहब। वो जो मैडम थी और उनका दोस्त था, उन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही थी? वो बात नहीं, आपस में जबरदस्त झगड़ा कर रहे थे साहब। किस बात पर? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन वो मैडम मतलब सटक गई थी उसकी उस आदमी पर। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था सूरज। मुझे क्या मालूम था ऐसा होने वाला है? तुम्हें नहीं पता था, ये नहीं पता था कि अंकित घर पे होगा? नहीं मालूम था बाबा। कैसे नहीं पता था? अक्कल के घास चरने चली गई थी कि एक बार तुमने एसएमएस या फोन करके भी नहीं पूछा। चुप करो, बहुत हो गया। अरे मुझे लगा तुमने सारा अरेंजमेंट घर पे किया हुआ है। अरेंजमेंट? कैसा अरेंजमेंट बोलो। हां झगड़े का मुद्दा तो समझ में नहीं आया साहब, लेकिन ये बात साफ है कि उस घर में कुछ तो लफड़ा था साहब। उस रिक्शे वाले का ना तो कोई स्वार्थ है, ना फायदा, ना मतलब, इसलिए उसके झूठ बोलने का जीरो चांस है। मिसेस दीपा केसवानी, ये सब किया कराया आपका है, और ये सारा अरेंजमेंट आप ही के घर हुआ था। उस ऑटो वाले ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया? किस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं? उस अरेंजमेंट का नाम है बलदेव आहूजा। ताज्जुब हो रहा है ना आपको, इतना बड़ा राज हमें कैसे पता चल गया? मगर ये भी एक राज है जो मुजरिम को जेल जाकर समझ में आता है। जी हाँ मैडम, जेल आपका इंतजार कर रहा है, वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए मिसेस केसवानी, बैठिए। वैसे मिस्टर बलदेव आहूजा हमारे दूसरे मेहमान खाने में है, अच्छी खासी खातिरदारी की जा रही है उनकी, बैठिए। एक राज की बात खोलूं आप दोनों से? वैसे इस केस की सारी कड़ियां हमने तकरीबन पहले ही जोड़ ली थी, बस एक कड़ी बाकी थी आपकी। थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था क्योंकि आप शुरुआत से ही अबला होने की एक्टिंग कर रही थी, मासूम बनने के दावे कर रही थी, मगर सच यह है मिसेस केसवानी कि हमने आपके हर दावे पर गिरे पर्दे को ना सिर्फ उठाया है बल्कि उसके चिथड़े उड़ा दिए हैं। सूरज के कबूलनामे के बलबूते पर पुलिस इस केस के छुपे हुए खिलाड़ी बलदेव आहूजा तक पहुंच गई थी। आखिर में दीपा केसवानी को भी घेर लिया गया और सच सामने आया। अंकित केसवानी की मौत एक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी एक कत्ल था, एक अटैक हुआ था, एक साजिश हुई थी। बलदेव, रात को दूध वाला बैग दरवाजे पर लटकाना मत भूलिएगा। तुम सुबह से 3 बार बोल चुकी हो, मैं चाहूंगी ना तो भी नहीं भुला पाऊंगा। दूध उबाल कर फ्रिज में रखना। यार पम्मी, तुम 10 दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ पे जा रही हो और लेक्चर मेरे को ऐसे दे रही हो जैसे पता नहीं बॉर्डर पे कोई जंग लड़ने जा रही हो। माइके जाके कहीं मेरे को भूल मत जाना, भूल जाते हो तुम, फोन भी नहीं करती हो। ऐश तो तेरी है भाई बलदेव। हाँ मेरी भी ऐश है। वैसे ये बता भाभी गई कहाँ है? हाँ भाई 10 दिन के लिए मायके गई हुई है। भाई मैं तो ये 10 दिन पूरे मजे करने वाला हूँ। वो तो तेरा फोन आया था तभी पता लग गया था मुझे। अच्छा भाई एक काम है, कोई है क्या आइटम? क्या बोल रहा है बे? समझा कर यार, कोई अच्छी सी कॉल गर्ल एस्कॉर्ट टाइप। यार देख मेरे को कोई होटल वोटल में तो जाना नहीं है, तो कोई दिला देना यार, मतलब जो घर पे आके तेरे भाई को 5-स्टार ट्रीटमेंट दे दे। ओए बलदेव, तूने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है? मेरा वो मतलब थोड़े था मेरे भाई,
मैं ये कह रहा हूँ कि तूने कभी अपने घर पे बुलवाया होगा या तेरे किसी फ्रेंड ने, तो कोई तो कॉन्टेक्ट नंबर शंबर होगा ना यार। कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारा पति अंकित तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सूरज से रिक्वेस्ट करता है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, उसे समझाओ जरा, वो गैर मर्दों के साथ न जाए। और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सूरज क्या करता है, अंकित की मदद करने के बजाय वो तुम्हारी मदद करता है नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए। मतलब भरोसा, इंसानियत, जुबान, इन सब चीजों की कोई अहमियत ही मेरी दुनिया में, क्यों सूरज? ए दीपा, बल्ले मेरा दोस्त है यार, स्पेशल फ्रेंड है। लेकिन तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं होगा सूरज, उसको बता देना फुल कैश एडवांस में। पैसे की टेंशन मत ले, एकदम मालदार पार्टी है। एक्चुअली उसकी वाइफ गई हुई है कुछ दिन के लिए घर से बाहर, तो बलदेव साहब थोड़ी सी ऐश करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका नंबर मुझे SMS कर दो, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे स्पेशल फ्रेंड को कब और कितनी मस्ती मारनी है। यस डार्लिंग, व्हेन यू कम, आई रेडी एनी टाइम। आज रात फ्री हूँ, लेकिन पूरा एडवांस रहेगा, सूरज ने बताया तो होगा ना। अरे एडवांस की क्या बात कर रही हो डार्लिंग, तू बस आज रात मेरे को खुश कर दे, तेरे को 10 दिन का एडवांस आज ही दे दूंगा। ओके बेबी। अंकित, मैं आज रात को अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, एक्चुअली उसकी थोड़ी क्राइसिस चल रही है, सुबह 7:30 बजे तक आ जाऊंगी। ओके is currently not reachable. नहीं आई मतलब? नहीं यार, कोई इशू होगा, वैसे बहुत प्रोफेशनल लड़की हो। अबे काय की प्रोफेशनल बे, 9:30 बजे आने वाली थी, 11:30 बजने वाले। अरे यार मैं ड्रिंक पिए जा रहा हूँ और मैडम ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। देखिए यार बलदेव, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम लोगों को मिलवाया, तुम लोगों की बात हुई, अब तुम लोगों के बीच में जो कुछ भी है प्लीज यार बलदेव, उसमें मुझे इन्वॉल्व मत कर। तो अब सारी रात अकेले कैसे घसीटूं? अब बुखार कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बॉडी पेन बहुत है, 3 painkillers ले चुकी हूँ। तुम आज रात आराम करो ना, आज कहीं मत जाओ। मैं भी यही सोच रही थी। हेलो दीपा, क्या बकवास है ये? सॉरी बलदेव, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। अरे यार एक फोन तक नहीं किया तुमने, मैं 2 दिन से वेट किए जा रहा हूँ। तो क्या करूँ, ऐसे आऊँ? क्या एंजॉय करोगे तुम? मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी, फिर आती हूं। अरे यार साले, तेरे को भी आज ही खराब होना था। नहीं चलते। आराम से खाओ। मैं देखता हूँ। नहीं तुम खाना खाओ, खाना मत छोड़ो, मैं देखती हूँ। हेलो दीपा। कौन? दीपा बलदेव बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बलदेव बोलो। तू आने वाली थी ना,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकती। हद है यार, रोज सेम सेम बहाना। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरी तबीयत सच में खराब है, मैं अभी नहीं आ सकती। अभी मारा है तू साली, साली किसी ने चार पैसे ज्यादा दे दिए होंगे बस तू चली गई उसके साथ। देख उसको छोड़ के अभी के अभी मेरे घर पे आ जा, जितने पैसे तेरे को वो दे रहे ना उससे कहीं ज्यादा मैं दूंगा तेरे को साली। एक और बार तुमने बदतमीजी से बात की ना। ओके ओके सॉरी डार्लिंग, प्लीज मान जाओ, आ जाओ टैक्सी भेजूं। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, नहीं का मतलब नहीं। साली तो कोड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? कौन है? वो अंकित, पता नहीं कोई फोन पे बस गाली दिया जा रहा है। साली दो कौड़ी की धंधे वाली, तेरे को पता है मैं कौन हूँ? तेरे को पता है जितने जितने तेरे कस्टमर है ना उससे कहीं ज्यादा मेरे पुलिस रिकॉर्ड है। साली एक चुटकी में तेरे को तेरे घर से उठा लूंगा, एक चुटकी में। आजा आजा, एड्रेस है या एसएमएस करूं? कौन है बे? अरे मैं जो भी हूँ, तू पहले बता तू कौन है, बड़ा उठवाएगा ना हमें। चल बोल कहाँ मिलना है, सामने आ। चल औकात में रह तू अपनी, अपने बाप से बात कर रहे तू। अरे सामने तो आ जो भी है तू, और तू अपनी औकात में रह। सुन सुन, अगर दांत तोड़ के हाथ में नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। ओ अंकित फंकित जो भी तेरा नाम है, हंसा मत मुझे और चुप करके दीपा से बात करवा। ए सुन, अगर दोबारा यहाँ पे फोन किया ना तो ढूंढ कर वही गाड़ दूंगा जिंदा, कोई कुत्ता भी नहीं सूंघेगा तेरी कब्र। अबे तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप फोन दीपा को दे दे, अब अंकल को सच में गुस्सा आ रहा है। हाँ हाँ मुझे मालूम है गुस्से को कहाँ घुसेड़ना है। अरे सामने तो आ जा, गुस्सा तो दूर रोना तक नहीं आएगा, कुछ अंदर नहीं जाएगा और कुछ बाहर भी नहीं आएगा। चल हट। मैं नहीं जानती कौन था, पर उसको मालूम है अब मैं कौन हूं। चलो डिनर खत्म करते हैं। अबे क्या हो गया बलदेव? एड्रेस दे साली का, एड्रेस दे। अरे भाई बलदेव थोड़ा शांत रहे यार, जब उसने बोला है कि वो बीमार है तो बीमारी होगी ना। तू उसके दल्ले की तरह बात क्यों कर रहा है बे? देख मेरी हट गई है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तू मुझे पागल समझ रहा है? तू इतना गुस्से में है और मैं तुझे उसका एड्रेस दे दूं? ठीक है तू एड्रेस मत दे उसका, मेरे पास तेरा एड्रेस है, मेरे साथ मेरा एक आदमी है, हम तेरे पास आएंगे, तेरी साले हड्डी तोड़ेंगे, साले तेरे को फोड़ देंगे, उसके बाद मेरे तू एड्रेस तो क्या, तू उसके घर छोड़ के आएगा मेरे को साले? अपने दोस्त को धमकी दे रहा है बे? तुझे पता है ना जब मेरी सड़क जाती है मैं कुछ नहीं देखता, तेरे को पता है ना पहले भी मैं दो हाफ मीटर के लिए अंदर जा चुका हूं। हां जानता हूं। तो फिर क्या चाहता है, तेरे हाफ मीटर के लिए अंदर चला जाऊं मैं? एड्रेस दे रहा है या मैं तेरे घर पे लेने आऊं? रोड लिया सीट के नीचे, चल विरार निकाल। एक काम करना है उल्टू, पता नहीं हाफ या क्वार्टर तो पक्का है, साला अपने पैर पे नहीं चलना चाहिए, निकाल। हेलो दीपा, तेरा बलदेव से कुछ झगड़ा हुआ क्या? सूरज वो तुम्हारा दोस्त ना एकदम घटिया है, थर्ड क्लास सड़क छाप, उसको समझ में नहीं आता कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती, फोन पे फोन किए जा रहे हैं। दीपा उसने मुझे धमका कर ना तेरा एड्रेस ले लिया। सूरज तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने तुमने उसको मेरा एड्रेस दे दिया? यार मैं क्या करता, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था वो, और तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम मेरा एड्रेस कैसे दे सकते हो उसे? तुम्हें पता है अंकित घर पे है और उसकी लड़ाई अभी अंकित से हुई है, मैंने कहा था कोई रॉन्ग नंबर है। मैं डर गया था यार। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम नहीं जानते हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। तू देख लेना यार, हैंडल कर दे। तो भी था ना बे, जो फोन पे धर्मेंद्र बन रहा था, मुझे सामने आने के लिए बोला था ना, ले तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। बलदेव प्लीज बोल बोल। बलदेव बाजी ये तो उल्टू हो गए, चलो निकलते यहां से, चलो चलो चल निकल। अंकित70% सच हमें सूरज ने बताया,
बाकी बलदेव बहू जाने। तो मिसेस दीपा अंकित केशवानी, सच यही है, अटैक हुआ, मर्डर हुआ और आपने हमसे सब कुछ छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं क्या करती हूं। आप जो करती हैं, उसने आपकी पति की जिंदगी छीन ली। मैंने अंकित की जान बचाने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। जब हम कुछ गलत करते हैं हम कई चीजों के बारे में नहीं सोचते, मगर वो होती जरूर है। अब देखो, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है अंकित को ये पता था कि तुम प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो। यकीन नहीं होता? अपने दोस्त सूरज से पूछ लीजिए। क्यों सूरज, सच कह रहा हूं ना? अंकित ने सूरज के साथ सब कुछ शेयर किया था, इनफैक्ट वो सूरज की मदद ले रहा था तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हारा ये दोस्त, ये गुड फ्रेंड तुम्हें उस दलदल में पूरी तरह डुबोने पर तुला हुआ था। मेरी समझ में नहीं आता है कि अंकित ने तुम दोनों पे विश्वास कैसे किया। एक बात कहूं, मैं सालों से जानती थी कि तुम अलग अलग मर्दों के साथ घूमती हो, सोचा तुम्हारी फितरत होगी। क्या अच्छा क्या बुरा, तुम बस ऐसी हो, पर ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लिए अपना जिस्म बेचोगी। मम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत जलील हो चुकी हूँ, मेहरबानी करके तुम मत शुरू हो जाओ। मैं भी कम जलील नहीं हुई हूँ बेटा। एक बात याद रखना, बच्चे या माँ बाप जो कुछ भी करते हैं उसका असर एक दूसरे पर होता है। तुम्हारी गलती से आज एक मासूम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक ऐसा मासूम जो तुमसे बेहद प्यार करता था, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए तुमसे बेहद प्यार करता, सब गलती से हुआ, एक एक्सीडेंट था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और अंकित के साथ ऐसा हो तो मैंने कभी नहीं चाहा। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अंकित पर हुए हमले में बलदेव का साथी मुकेश अब भी फरार है। वो एक हिस्ट्री शीटर है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। दीपा, सूरज और बलदेव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और पुलिस को गलत जानकारी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दीपा अपनी जिंदगी किस तरह से जीना चाहती थी उस पर हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उसके लाइफस्टाइल की वजह से ही यह हादसा हुआ जिसमें उसका पति अंकित केशवानी मारा गया। अंकित पर हमला सोच समझ कर किया गया था, मकसद भले ही कत्ल का नहीं था लेकिन हमलावर अंकित को सबक सिखाने आए थे और उनके हाथों एक हत्या हो गई। क्या ये मौत अवॉइड की जा सकती थी? एक तरफ दीपा को डर था कि अगर अंकित को उसके व्यवसाय के बारे में पता चल गया तो उसकी शादी टूट सकती है, इसलिए जब फोन पर बलदेव से झगड़ा हो रहा था तब उसने अंकित से झूठ कहा और कॉलर की आइडेंटिटी को गुप्त रखा। दूसरी तरफ था सूरज कटारा, जो जानता था कि अंकित दीपा की हरकतों से काफी हद तक डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय उल्टा वो दीपा को नए नए क्लाइंट्स दिलवा रहा था। क्या इस तरह के झूठ से, पीठ पीछे इस तरह की बेईमानियों से कभी किसी का भला हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दीपा अपने देह व्यापार की सच्चाई को अपने परिवार वालों से, समाज से छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए वो एक हादसे को छुपा रही थी, एक कत्ल को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुर्म छुपाए नहीं छुपता, जितना छुपाने की कोशिश करो उतना ही ज्यादा उभर कर सामने आ जाता है। पुलिस को इस केस की शुरुआत में ही दाल में कुछ काला नजर आ गया था और उन्होंने दाल के गलने तक इसका पीछा नहीं छोड़ा, इस केस को अंजाम तक ले जाया गया। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि अगर सच बोलो तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन एक झूठ बोलने से काफी लंबे अरसे तक कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी झूठ पकड़ा ही जाता है।
आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।